हेलो नीट एस्पिरेंट्स, एज वी ऑल नो नीट 2021 की डेट बाहर आ चुकी है। आपका एग्जाम 1 अगस्त 2021 को हो रहा है। आज से 4 महीने बाद आपकी एग्जाम है जो 1 अगस्त को हो रही है। रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च को और आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2021 रात को 11:50 को आपकी लिंक बंद हो जाएगी। उसके बाद आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा। जितना जल्दी हो सके आप रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है नीट की। सो फर्स्टली वी नीड टू ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है नीट पे रजिस्टर करने के लिए। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना है, जो वहाँ पे आपको पॉपअप होगा। फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बेसिक डिटेल्स आपको फिल इन करनी है वहाँ पर। उसके बाद आपको अपना लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल्स आपको सारे मिल जाएंगे, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद भी आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं, जो होगा आपका नेम, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ। आपको स्कैन करना होगा अपना आईडी प्रूफ, या तो आपका पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ये सब आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। आपको अपनी 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है इसके साथ में, और ये सब जो भी आपको अपलोड करना है वो जेपेग या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। आपको अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी स्कैन करके अपलोड करना है वहाँ पर, और आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे अपनी एज पर्सनल डिटेल्स अपलोड करनी है। उसके बाद आपको आएगा आपका सेंटर प्रेफरेंस, मतलब आपको सेंटर कहाँ पे चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दैट। और ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान से फिल करनी है कि आपको एग्जाम प्रेफरेंस कहाँ चाहिए, आपको आपके नजदीकी सेंटर, आपका लोकेलिटी कौन सा चाहिए एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपने एंटर कर दिए, फिर आपने जो बेसिक डिटेल्स जो फॉर्म पे दी होगी वो फिल करना है। उसके बाद आपको पेमेंट विंडो पे जाना है। पेमेंट आप कोई भी प्लेटफॉर्म से करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब पेटीएम, सब कुछ अलाउड है। आप कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हो। आपको ये अपने पेमेंट डिटेल्स अच्छे से डालना है, और जो फोन नंबर आप डालोगे वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए ताकि आपको ओटीपी आए और आप रजिस्टर कर सको। फिर बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। एक बार सबमिट करने के बाद एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगी 1st week of May में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्शन विंडो 1st week of May में ओपन होगी। तो आप एक बार रीचेक कर सकते हो सब कुछ, और आपको जून जुलाई मिड तक आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और 1 अगस्त को आपकी एग्जाम होगी। आपको प्रिपेयर करना है अपनी नीट की एग्जाम के लिए। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता दूं। जनरल कैटेगरी के लिए द फीस विल बी 1500 रुपीज, 1500। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको 1400 पे करना है, और अगर आप एससी एसटी ये कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका फीस स्ट्रक्चर 800 रुपीज है। जैसे कि मैंने बोला कि आप कहीं से भी पे कर सकते हो, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कुछ भी चलेगा। अगर आपको अपने डाउट सॉल्व करने हैं, आपके पास सिर्फ 4 महीने पड़े हैं, आपको अपनी पढ़ाई फास्ट करनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से रिवाइज करें, तो हमारे पास ये फीचर है फ्लैश कार्ड करके, जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आप आंसर करके चेक कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं। ये हमारे ऐप एग्जाम्पल पे अवेलेबल है, और आप वहाँ पे से फ्लैश कार्ड सॉल्व कर सकते हो। 4 महीने है आपके पास, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम है हमारे पास इसके लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑन आर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर फॉर मोर नीट अपडेट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।